जब एनडीए गठबंधन को छोड़ के दूसरे दल में गए हैं, उनकी भी दुर्गति वही होने वाली है 2024 के चुनाव के बाद। और मैं तो समझता हूं कि 2024 के चुनाव के पूर्व ही बिहार सरकार ध्वस्त हो जाए। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बिहार में महागठबंधन की सरकार पर जबरदस्त तंज कसा है। दरअसल आज पशुपति पारस जो हैं वो पटना में अपने पार्टी के दफ्तर में मीटिंग कर रहे थे, और मीटिंग करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, और इसी दौरान पशुपति पारस कहते हैं कि साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है वो गिर जाएगी, वो धराशाही हो जाएगी। पशुपति पारस का पूरा बयान सुनिए, किस तरीके से सीधा और डायरेक्ट हमला जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। के मुकाबले में शायद कोई नहीं है जो सपना देख रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा, तो 2024 के चुनाव में हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मुझको लगता है कि लोग शादी पकाओ सपना देख रहा है, जैसा सपना की हमारे चिराग पासवान जी देखा करते थे। विधानसभा के चुनाव में कुछ लोगों ने कहा कि मैं सपना देखा हूं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो वो पार्टी तोड़ के अलग हो गई। आज बेचारे की क्या दुर्गति है सबको पता है। उसी तरह बिहार में जब एनडीए गठबंधन को छोड़ के दूसरे दल में गए हैं, उनकी भी दुर्गति वही होने वाली है 2024 के चुनाव के बाद। और मैं तो समझता हूं कि 2024 के चुनाव के पूर्व ही बिहार सरकार ध्वस्त हो जाए, क्योंकि जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ है उस दिन से संजोग खराब है बिहार सरकार, उस दिन से कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है। बिहार सरकार का लॉ मिनिस्टर पर वारंट इशू हुआ है, कुछ लोग दागी लोग हैं, काफी लोग उसमें दागी हैं। बिहार सरकार में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और ये सरकार जब बिहार सरकार और भारत सरकार पहले एक साथ हम लोग थे तो बिहार का काफी विकास हो रहा था। आज बिहार का विकास रुक गया। बिहार में भाजपा और राष्ट्रीय में शायद कोई नहीं है जो सपना देख रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा, तो 2024 के चुनाव में हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मुझको लगता है कि लोग शादी पकाओ सपना देख रहा है, जैसा सपना की हमारे चिराग पासवान जी देखा करते थे। विधानसभा के चुनाव में कुछ लोगों ने कहा कि मैं सपना देखा हूं कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो वो पार्टी तोड़ के अलग हो गई। आज बेचारे की क्या दुर्गति है सबको पता है। उसी तरह बिहार में जब एनडीए गठबंधन को छोड़ के दूसरे दल में गए हैं, उनकी भी दुर्गति वही होने वाली है 2024 के चुनाव के बाद। और मैं तो समझता हूं 2024 के चुनाव के पूर्व ही बिहार सरकार ध्वस्त हो जाए, क्योंकि जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ है उस दिन से संजोग खराब है बिहार सरकार, उस दिन से कुछ न कुछ घटनाएं घट रही है। बिहार सरकार का लॉ मिनिस्टर पर वारंट इशू हुआ है, कुछ लोग दागी लोग हैं, काफी लोग उसमें दागी हैं। बिहार सरकार में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और ये सरकार जब बिहार सरकार और भारत सरकार पहले एक साथ हम लोग थे तो बिहार का काफी विकास हो रहा था। आज बिहार का विकास रुक गया। बिहार में भाजपा और राष्ट्रीय